मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एंड ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, इससे पहले मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं है, कभी आपने मुझे देखा भी नहीं होगा। आज पहला ब्लॉग है, ये पहले ब्लॉग की शुरुआत। देखते हैं कैसा मैं कैमरे के सामने बात कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, जो भी है इस ब्लॉग में देखेंगे। आज ये मेरा पहला ट्राई है, तो ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करना आप लोग। आज कुछ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा मैं पूरे दिन, कुछ भी रैंडम ब्लॉग बनाऊँगा और देखते हैं कैसा बनता है। आशा करते हैं अच्छा ही बनेगा, कोशिश पूरी जारी है। अभी तो दोस्तों खाली बैठे हैं और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, साथ में ये है दोनों के साथ अपने देसी स्टाइल में। तो मैं अब आपको मिलाने वाला हूँ अपने बच्चों से, आशा है आपको पसंद आएंगे मेरे छोटे छोटे निके निके परिंदे। हेलो हेलो, हाय बोलो कामू। हाय हाय, कैसे हो दोस्तों? कैसे हो दोस्तों? हेलो हाय। चित्रांश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है जी? ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे ये कौन है चित्रांश? ये कौन है? ये कौन है? ये है प्रहान। कौन है? प्रहान। ये छोटा गुंडा है, छोटा गुंडा। ये बड़ा गुंडा है या छोटा गुंडा है? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? अरे कैमरे में देखना चाह रहा है तू? अरे 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 अरे, ये देख ये क्या खा रहा है? मिट्टी। ये मिट्टी खा रहा है। इस लड़की का नाम गाम्या है। क्या नाम है बेटा तेरा? नाम। नाम क्या है आपका? माम। नाम क्या है आपका? नाम। अच्छा, ये नाक है? ये ऐसे बोलती है। हाय बोलो, हाय बोलो चित्रांश, हाय बोलो। ये चित्रांश है और ये प्रहान है। ये पता नहीं मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। देखो मिट्टी खा रहा है, ये मिट्टी खा रहा है, ये कंकड़ खा रहा है। ये कंकड़ बड़े अच्छे लगते हैं इसको खाने में। इधर मम्मी जो है साग काट रही है, आज साग बनने वाला है। ये देखिए, ये हमारी मम्मी है और ये साग, ये मेथी का साग है और ये अनीता जी हैं। अनीता जी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, इनका सेमिनार चल रहा है और ये भी साग काट रही है। और ये चित्रांश की मम्मी, चित्रांश की मम्मी है। और ये चित्रांश जो है उंगली करता हुआ कैमरे में। तो दोस्तों साग को काटते हुए पतला पतला, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर, तो आपको खाने की नई नई रेसिपियाँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। नई पुरानी जैसी भी अपनी ट्रेडिशनल है वो भी दिखेंगी और नई रेसिपी तो जो कि मैं भी कभी कभी बनाता हूँ, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगी। एक तरह से ये पर्सनल ब्लॉग है मेरा और आपको ज़रूर ये वीडियो धीरे धीरे पसंद आएंगी। ये साग कटते हुए ये काटा जा रहा है यहाँ पर साग, देखो चाकू से। वैसे तो इसको दराती से काटते थे पहले पुराने टाइम पे, लेकिन अभी जो है चाकू से ये इसको काटा जा रहा है। ये साग देखो, मम्मी जो इधर चटनी कर रही है साग में से। इसमें बहुत तरीके के अलग अलग खरपतवार भी रहती है और ये बड़े ध्यान से इसमें से खरपतवार को अलग करते हुए और मेथी को छांट रही है इसमें से। इसमें पालक भी है और कई तरह के घास फूस भी रहता है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। या क्या क्या, ये पानी में शैतानी करता हुआ चित्रांश।
क्या कर रहा है? या क्या? या क्या? ये क्या? ये अच्छा मुंह धो रहा है? कौवा स्नान कर रहा है? कौवा स्नान कर रहा है क्या? अरे कौवा स्नान कर रहा है या ये दूसरा शैतान है? ये गैंग बन चुकी है इनकी, और ये भी कौवा स्नान करने के लिए, ये पर ये नहाने से बहुत डरता है, सिर्फ कौवा स्नान कर रहा है। ये देखो ये मुंह का मुंह साफ करते हुए, बहुत ही शैतान बच्चे हैं। अब ये थप्पड़ खाने वाले हैं। तो दोस्तों ये साग की धुलाई चल रही है, पानी में इसको साफ किया जा रहा है। ये अच्छे से इसको पानी में साफ कर लिया गया। यहाँ पर चूल्हा जल गया है दोस्तों, और चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया गया है, गर्म पानी, बिल्कुल गर्म हो रहा है ये पानी जो है। चूल्हे पे साग बनने वाला है, साग के बाद बाजरे की रोटी बनेगी। दोस्तों इसमें दलिया डाल दिया गया है, दलिया गेहूं का दलिया, और गर्म पानी में राजस्थानी स्टाइल है साग को बनाने का, मेथी का साग, इसमें दलिया, आटे का गेहूं का दलिया। अभी हम इसमें साग को डालेंगे। ये अभी इसमें हमने नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला है, और अभी सिर्फ साग को इसमें डाल रहे हैं धो के। इससे पहले दलिया डाला था गर्म पानी में, गर्म हो गया था तब उसमें दलिया डाला था। इसको चलाएंगे अच्छे से, दलिया को साग में मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अभी साग अलग है, दलिया अलग है, पानी अलग है, लेकिन जैसे जैसे पकेगा देखते इसमें क्या बदलाव आता है। बीच बीच में इसको चलाना है, बाकी पक जाएगा ये अपने आप। दोस्तों इसमें लहसुन, हरी मिर्च और मसाले, कुछ हींग वगैरह, ये सारी चीज़ें अब इसमें डाली जा रही हैं। कटोरी में से खाली हो गई। हींग, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें अभी अभी डाली गई हैं। बड़ी अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है, लहसुन की और अदरक की, हींग का फ्लेवर अलग आ रहा है।
तो दोस्तों अब इसमें तड़के का टाइम है, इसके लिए हम इसमें से मिर्ची तोड़ रहे हैं अपनी मिर्ची की पेड़ से, छोटे से, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ लोगों को ही पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद होती है तड़के वाली मिर्ची, और घी में इसको डालेंगे हम। और यहाँ पर ये घी गर्म हो रहा है तड़के के लिए, अब मैं इसमें हरी मिर्चियाँ डालूँगा, डांट तोड़ी इसमें, ये घी गर्म हो रहा है यहाँ पर देखिए, और इसमें दो मिर्ची है अभी बस डालूंगा। और ये गरम गरम घी इसमें जब जाएगा तो फ्लेवर अलग ही हो जाएगा इस साग का। इस साग को बिना तड़के के भी हम खा सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। और ये तड़का इसमें लग गया है देखिए, और ये घी इसमें देसी घी घर का इसे मिला दिया, बिल्कुल हरा हरा साग, बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। और अब ये उतारने के लिए तैयार है क्योंकि ये तैयार हो चुका है। दोस्तों साग बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल देखो गाढ़ा हो गया है बिल्कुल, इसमें हमने तड़का भी दे दिया है घी और हरी मिर्चों का। अभी थोड़ी देर में हम बाजरे की रोटी आपको बताएंगे, बाजरे की रोटी कैसे बनती है, और साग और बाजरे की रोटी के साथ आपको इसका स्वाद बताएंगे, ठीक है। और अब ये साग को उतारने का टाइम आ गया है, बिल्कुल अच्छे से बन गया है साग। तो दोस्तों बाजरे की रोटी बनने वाली है, ये मिट्टी का तवा चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है, स्पेशली ये बाजरे की रोटियों के लिए गांव से लाया गया था, और ये इसको अब गर्म होने में टाइम लगेगा। इधर अब ये ताज़ा बाजरे का आटा है जो आज ही चक्की से पिस के आया है, गांव से हम बाजरा लेके आए थे, और अब ये बाजरे की रोटियाँ बनने वाली हैं। हमारी मम्मी जो है ये हमारी छत पर हमने जुगाड़ कर रखा है सारा, जब भी हमें सर्दियों में ज़्यादातर सर्दियों में बाजरे की रोटी खानी होती है, या कभी भी वर्ष के किसी भी वक्त में बाजरे की, मक्के की, या किसी भी अलग तरह की चूल्हे की रोटी खानी होती है, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी बाजरे की रोटी जो है बनने वाली है, ये देखिए गामू जो है, गामिया जो है बाजरे की रोटी बनने का इंतज़ार खाने के लिए करती हुई, उसके लिए भी सारी चीज़ें नहीं है। और ये पानी मिला दिया गया है, बाजरे की रोटी को गेहूं की रोटी की तरह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका आटा जो है थोड़ा मोटा होता है, दरदरा होता है, और एक साथ जैसे गेहूं की रोटियां बेली जा सकती हैं वैसे इसको नहीं बेला जा सकता, इसलिए इसको हाथ से धीरे 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 मांडा जाता है इसको। ये टेक्निक हर किसी को नहीं आती, हम राजस्थान के हैं भाई साहब, और राजस्थान के लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, हमारे यहाँ बाजरा बहुत होता है। ये पानी का हाथ, और ये देखो
फाइनली रोटी जो है चौड़ी हो चुकी है और इसको तवे पे डाल दिया गया। ये सभी बच्चे इंतज़ार करते हुए खाने के लिए शैतानियाँ कर रहे हैं एक के बाद एक, इन्होंने आतंक मचा रखा है। कोई चीज़ कहीं फेंक रहे हैं, कोई चीज़ कहीं फेंक रहे हैं। ये चूल्हे में बाजरे की रोटी को सेकने के लिए जगह बनाई जा रही है। अब इस रोटी को चूल्हे के बीच में रख दिया है साइड में और ये देखो रोटी फूल रही है। अब दूसरी रोटी ऊपर रख दी गई है। बाजरे की रोटी थोड़ी मोटी होती है, उसको सिर्फ तवे पर ही सेका नहीं जा सकता, उसको थोड़ा आंच में भी सेकना पड़ता है। देखो बिल्कुल क्रिस्पी ये रोटी हो गई है, बनके तैयार गर्मा गर्म। और दोस्तों ये देखिए फाइनल सबसे बड़ा शैतान जिसका नाम है सृष्टि, जिसकी क्लास चल रही थी अभी क्लास ख़त्म करके आई है, अभी आपको कुछ बोलेगी। बोलो सृष्टि। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ना मेरे सांता क्लॉस को आप सबको दिखाऊंगी। सांता क्लॉस कहाँ है आपका? बोला टकरा। अच्छा इसका सांता क्लॉस दियो, सांता क्लॉस है बेटा, क्रिसमस ट्री है वो। हाँ क्रिसमस ट्री है। तो दोस्तों क्रिसमस आने वाला है तो इसकी एक्टिविटी थी कोई। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो सृष्टि आप? देखो पता नहीं है। अच्छा पता नहीं है। अच्छा दोस्तों ये पढ़ती है UKG में अभी, और इसने अभी क्रिसमस ट्री बनाया है, अभी आपको क्रिसमस ट्री दिखाएगी। ये देखो इसकी मदर ने क्रिसमस ट्री दिया। आप ये क्रिसमस ट्री देखिए क्रिसमस ट्री। टेबल पे रखो बेटा, इधर रखो टेबल पे। ये देखिए क्रिसमस ट्री इसने बनाया है दोस्तों। कल क्रिसमस है, आज 24 दिसंबर है और ये देखिए शैतान शैतानी करते हुए। किस लिए? ये गामू जो है बाजरे की रोटियों का मजा लेते हुए। उधर वो प्रहान, ये देखिए शैतानी करता हुआ नंगू। क्या आ रही है? ये देखिए दोबारा बोलो। अच्छा एक नंबर की रोटी बनी है और साग बहुत ही अच्छा है, फ्लेवर आ रहा है इसमें घी का, हिंग का, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये सृष्टि आपको कुछ बोलना चाहती है। सृष्टि क्या बोलना है आपको, बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये कसना दीदी क्रिसमस ट्री बनाया है, इसके लिए आप सबको थैंक यू। हाँ वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू बोल रही है। और आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सृष्टि वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। बोलो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय। सांता क्लॉस इसको देख के जाएगा। बाय बाय बोलो, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय। गामू बाय बोलो। बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।